हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूपी का बहुत ही मशहूर कढ़ा गोश्त की रेसिपी, जो हम बनाएंगे 6 किलो की क्वांटिटी में। तो हमने ले लिया यहाँ पर एक भगोना और इसमें डालेंगे ऑयल लगभग 1 से 1.5 लीटर ऑयल ले लेंगे। 1.5 लीटर से थोड़ा कम भी ले सकते हैं अगर आपको कम ऑयल पसंद है, वैसे ये ज़्यादा ऑयल में बन सकता है। तो हमने ले रहे हैं यहाँ पर सरसों का ऑयल यानी मस्टर्ड ऑयल, और इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे ऑयल को, जब तक इसमें अच्छा सा धुआं ना निकलने लगे। ये देखिए, तो हम इसको बनाएंगे लगभग 20 से 25 लोगों के लिए। तो हमने लिए 1 किलो प्याज, इसको कट कर लिया है, और आधी प्याज हम गोल्डन ब्राउन भून लेंगे और आधी हम कच्ची रखेंगे। तो 20 से 25 लोग इसे आराम से खा सकते हैं, तो आप इस क्वांटिटी में बना लें। प्याज को हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, प्याज हमारी यहाँ पर गोल्डन फ्राई हो गई है, तो अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने प्याज को ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जो ऑयल है हम उसमें डालेंगे नमक और पानी का छींटा। तो हमने आधा बाउल पानी में नमक मिला लिया है, आधा चम्मच, और इसको डाल दिया है। इससे क्या होगा कि ऑयल की जो भी महक है वो निकल जाएगी। अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाले, तेज़पत्ते डाल देंगे 5 से 6, और बड़ी इलायची ले ली है हमने 4, छोटी इलायची हरी इलायची ले ली है 5, एक जायफल, दालचीनी के 2 बड़े बड़े फूल, और काली मिर्च 4-5 लौंग, एक जावित्री का टुकड़ा। तो सभी मसाले हम डाल देंगे, और अब इसमें डाल देंगे हम गोश्त। गोश्त हमने लिया है 6 किलो, और अच्छे से वॉश कर लिया है। तो यहाँ हमने गोश्त डाल लिया, अब इसको हम पकाएंगे लगभग 5 से 6 मिनट, जब तक कि गोश्त का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। तो अब इसमें डालेंगे हम हल्दी लगभग 3 टेबल स्पून। हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है। और इसको भी हमने पका लिया है 5 से 6 मिनट हल्दी डालकर। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। इसमें हमने 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम लहसुन लेकर इसको बारीक पीस लिया था, ये डाल देंगे। हल्दी डालकर आप अच्छे से 5 से 6 मिनट भून लें, और अदरक लहसुन डालकर भी हमने 5 से 6 मिनट भूना है। और थोड़ा सा डाल लेंगे हम केवड़ा वाटर लगभग 1 टीस्पून, और जो कच्ची प्याज हमने आधी बचा कर रखी थी वो डाल लेंगे। जो भी इंग्रेडिएंट हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और प्याज डालकर हम थोड़ा सा भूनेंगे, 2 से 3 मिनट भूनेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम मसाले। 150 ग्राम लिया है हमने धनिया पाउडर, और 100 ग्राम लाल मिर्च पाउडर, और 50 ग्राम लिया है हमने हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने पहले भी इसमें डाला था, तो आप मिर्ची अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी इसमें धनिया थोड़ा कम ही जाता है, क्योंकि हम इसमें खोया डालेंगे बाद में। और मसालों को डालकर हम भूनेंगे। ये लिया है हमने सैंडल पाउडर लगभग 2 टेबल स्पून लिया है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, जो दावतों के गोश्त में आती है। नमक ले लेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, और भूनते जाएंगे हम। अभी इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे। और अब डाल देंगे हम नारियल पाउडर, यानी डेसिकेटेड नारियल पाउडर है ये, गरी का बुरादा, लगभग 2 टेबल स्पून डालेंगे। और इसको डालकर भी भूनेंगे, अच्छे से भून लेंगे हम। कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे हमें ये भूनने में। और अब हम डालेंगे गोश्त गलने के लिए पानी। पानी डलेगा लगभग 1 जग पानी ले लेंगे हम, अपने हिसाब से आप ले लें। तो यहाँ हमने ये देखिए पानी डाल दिया है लगभग 1 जग भर कर, और अब इसको हम ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर बड़ा चूल्हा लगाया हुआ है, तो इसको तो अब ले लेंगे हम दही, और जो प्याज हमने गोल्डन फ्राई की थी उसे हमने हाथों से मिक्स कर लिया है, यानी तोड़ लिया है। दही लिया है हमने 1 किलो, और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और केवड़ा वाटर डाल देंगे 1 टीस्पून,
और अच्छे से मिक्स करेंगे। 6 किलो गोश्त, तो गोश्त को पकते हुए लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, और आप बीच बीच में इसको चेक कर लें, क्योंकि गैस का भी कुछ वो होता है, किसी का तेज़ जलता है, किसी का कम जलता है। मैंने यहाँ पर बड़े गैस पर बना रही हूँ, और गैस को मैंने स्लो फ्लेम पर रखा हुआ था, तो गोश्त को चेक कर लिया है और इस गल चुका है, लगभग 80% तक गल चुका है। तो बाकी का हम जो प्याज डालेंगे और दही और प्याज का जो पेस्ट बनाया है ये डाल देंगे, और इसके साथ अब हम इसको भूनेंगे। अच्छे से भूनना है प्याज, और प्याज दही का पेस्ट डालकर अच्छे से भूनना है, क्योंकि जितना आप भूनोगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, और धनियों की जो स्मेल होती है मसालों की वो भी नहीं आएगी। तो यहाँ हमने 100 ग्राम लिया है खोआ मावा, और ये डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, जो मसाला है वो एकदम बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसको डालकर भी हम अच्छे से भूनेंगे, लगभग हमें 1/2 से 1.25 घंटा लग जाएगा इसको भूनने में। तो जितना हो सके आप उतना भूनें, जब तक कि मसाला अच्छे से फटने ना लगे और ऑयल अच्छे से ऊपर ना आ जाए। तो हमने गोश्त को ढककर पकने के लिए छोड़ दिया था, यानी भूनने के लिए, तो लगभग 1/2 से 1.25 घंटा लग गया इसको भूनने में। ये देखिए इसका कलर भी एकदम लाल हो गया है भूनते भूनते, तो और अच्छे से हमें इसे कस लेना है एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से। मेन जो इसका टेस्ट होता है वो भूनने में ही आता है, क्योंकि हम इसको जितना भी भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप इस तरह भी इसको भून कर और इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्रेवी चाहते हैं तो इसमें हम पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए, लगभग 1/2 लीटर पानी डालेंगे, जितने आप ग्रेवी चाहें उतना पानी डाल लें। तो यहाँ मैंने 1/2 लीटर पानी डाला है, और अब इसको हम पकाएंगे ढककर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमने 15 मिनट हमने पानी डालकर इसको ग्रेवी के लिए पानी डाला, तो 15 मिनट के लिए पका लिया है लगभग धीमी आंच पर, और ये पककर तैयार हो गया है। तो बस गैस को बंद कर देंगे हम, ये देखिए ग्रेवी भी एकदम अच्छी हो गई है। तो हम डाल देंगे इसमें ऊपर से मखाने, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें, बस थोड़ा अच्छा दिखता है इससे, एकदम शादियों वाला जो लुक होता है, यूपी में जो शादियां होती हैं इस तरह का बनाया जाता है कड़ाव में, बस वही लुक आ जाता है। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, और ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।